बहराइच में फिर भेड़िया ने किया हमला, मासूम और बुजुर्ग को बनाया निशाना। आपको बता दें कि बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भेड़िया ने एक बार फिर दहलाया महसी इलाका। बहराइच में फिर भेड़िया का आतंक तड़के, सुबह दो लोगों पर किया भेड़िया ने हमला, एक बच्चे और एक व्यक्ति का किया हमला। ना कहीं के 8 साल के पारसा और दरिया कुटी के 55 वर्षीय कुन्नू लाल पर भेड़िया ने हमला किया। वहीं CSC महिसी में दोनों का इलाज जारी है। बहराइच वन प्रभाग हरिदी थाना क्षेत्र के ग्राम वकपुर नाव कहीं निवासी कुन्नू 55 वर्ष के घर बाहर सो रहे थे। देर रात ग्रामीणों पर भेड़िया ने हमला कर दिया। इसके बाद भेड़िया ने पड़ोसी जंगलपुरवा दरैया गांव निवासी परसा पर हमला किया। हमले में दोनों घायल हो गए। परिवार के लोग शोर मचाते हुए भेड़ियों को खदेड़ा। वहीं दोनों घायलों को CSC में भर्ती कराया गया। यहां पर बालक की हालात गंभीर बताई जा रही है। वहीं फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। आदमखोर भेड़िए के हमले से 8 बच्चों सहित महिला 1 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खूंखार भेड़िए के हमले में 40 से अधिक लोग घायल हुए। मसही तहसील क्षेत्र के 40 गांव में भेड़िया का आतंक लगातार जारी है। वहीं घटना की जानकारी होते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सभी ने ग्रामीणों से वार्ता कर सतर्क रहने के कहा। वहीं सभी सुरक्षा के बीच हमला वन विभाग के लिए चुनौती बन गया है। वहीं एक तरफ पूरे देश में भेड़िया का खबर सुर्खियां बिटोर रहा है, जहां एक तरफ लगातार बहराइच में भेड़ियों की हमले की वजह से लोग डरे हुए सहमे हुए, वहीं फिर दूसरी बार भी भेड़िया ने हमला कर दिया। वहीं वन विभाग की टीम ने खूंखार आदमखोर भेड़िया को रेस्क्यू करते हुए से गोरखपुर चिड़ियाघर में भेज दिया। लेकिन फिर एक ऐसी भेड़िया है जिससे बहराइच में ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी दहशत में है, क्योंकि बहराइच क्षेत्र में लगातार कई बार इस तरह के हमले देखने से लोग दहशत में। दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहीं एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित रखना जरूरी है, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भेड़िया ने आतंक मचाई है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में जिससे बहराइच में लोग काफ़ी दहशत में है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि CHC पर बच्चे का इलाज चल रहा है, जिस पर खूंखार आदमखोर भेड़िया ने हमला कर दिया है, जिस वजह से पूरे घर परिवार के लोग परेशान हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, वह उसी CSC केंद्र का ये तस्वीर है जहां पर भेड़िए ने जख्म दिया है, उसका घाव डॉक्टर के द्वारा भरा जा रहा है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो इसको शेयर करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।